प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर को अहमियत नहीं रखता। आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये देश हमारा था है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। की कथाओं को, उनके वक्ताओं को बिल्कुल ना सुने, इससे ईमान कमजोर होगा। कॉमन सिविल कोड बनाने की दिशा में आगे जाए कोई नहीं मानता था। सारे हमारे वैचारिक आधार को पूर्ण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है भारतीय जनता पार्टी। अगर अभी भी मिशन अधूरा है नमस्कार, टाइम्स टाइम और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। क्या 2024 के चुनाव से पहले मोदी सरकार कॉमन सिविल कोड लाने वाली है और क्या इसे लेकर सबसे बड़ा ऐलान हो चुका है? क्या भड़काऊ बयानबाजी कर नफरत की दुकान चलाने वालों की सियासत पर ताला बस लगने वाला है? दरअसल कल अमित शाह ने कॉमन सिविल कोड को लेकर बड़ी बात कही, पूरी बात आपको आगे सुनवाएंगे। लेकिन अभी बात MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की, जो मुसलमानों के नाम पर सियासत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। ओवैसी मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं, साफ साफ कह रहे हैं था उनका रहेगा। सवाल है ओवैसी साहब कि किसने कहा कि यह देश मुसलमानों का नहीं है, आपका नहीं है? देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं तो फिर डरने और डराने वाली बात क्यों आप करते हैं? देश किसका है किसका नहीं, ये सवाल क्यों आप उठाते हैं? सुनिए ओवैसी को। आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये देश हमारा था है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये देश हमारा है, इस देश का आईन पढ़िए, संविधान को पढ़िए। अरे जब सबको हक मिल सकता है, इज्जत मिल सकती है, तो भारत का मुसलमान क्यों पीछे हो जाता? अब देश में आपने ओवैसी को सुना, नफरत का खेल कैसे खेला जा रहा है, एक मौलाना को आपको सुनवाते हैं। आजकल हिंदू राष्ट्र की बात मुखर हो रही है। बागेश्वर बाबा ने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही, हालांकि बाबा ने यह भी साफ कर दिया कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि बाकी धर्म के लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, बल्कि बाबा साफ तौर पर कह रहे हैं कि सभी धर्मों के लोग रहेंगे, समान भाव से रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों को नफरत फैलाना है, बाबा के दरबार में मुस्लिम भी जाते हैं, यही बात मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी को अखर गई। वो मुस्लिमों से कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम में जाओगे तो ईमान खत्म हो जाएगा। सुनिए। मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, वो लोग जो बागेश्वर धाम में जाते हैं, कोड लाने की बात भी कहती। अमित शाह कह रहे हैं कि सरकार आगे बढ़ रही है, कुछ काम अधूरे हैं, मतलब UCC का एजेंडा भी अधूरा है। सुनिए अमित शाह ने कल क्या कुछ कहा। कोई नहीं मानता था, धारा 370 हटे कोई नहीं मानता था, ट्रिपल तलाक समाप्त हो कोई नहीं मानता था, CAA इस देश में आए कोई नहीं मानता था। इस देश के अंदर भाजपा की सरकार है, कॉमन सिविल कोड बनाने की दिशा में आगे जाए कोई नहीं मानता था। सारे हमारे वैचारिक आधार को पूर्ण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है भारतीय जनता पार्टी, मगर अभी भी मिशन अधूरा है। कॉमन सिविल की कोड की बात और मिशन अधूरा रहने की बात, इशारे आप समझ सकते हैं। अगर देश में एक समान कानून हो जाएगा तो फिर साफ है भड़काऊ दुकान बंद होनी तय है। क्या ओवैसी जैसे तमाम उन सियासतदानों को इसी बात का डर सता रहा है? वैसे सुप्रीम कोर्ट भी UCC पर राज्य सरकारों की कमेटी बनाने की बात को जायज ठहरा चुका है। ऐसे में सबसे पहले आज के सवाल आपके सामने रखते हैं। सवाल पहला है, मिशन UCC का सपना 2024 में क्या पूरा होने वाला है? सवाल यह भी होगा कि ओवैसी मुसलमानों को भड़का रहे या फिर डरा रहे हैं, उनकी बातें आपने सुनी है। भड़काऊ गैंग का इलाज क्या इसी कॉमन सिविल कोड के जरिए होगा? सवाल यह भी होगा कि 2024 से पहले जो बार बार बात हो रही है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी सिविल कोड लाने वाले हैं? सवाल यह भी होगा कि UCC आया तो भड़काऊ गैंग की दुकान क्या बंद हो जाएगी? इन्हीं सवालों पर आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। अपराजिता सारंगी हमारे साथ जुड़ चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की नेता और प्रवक्ता, जुड़ेंगी अब से थोड़ी देर में। विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ेंगे, VHP के नेता और प्रवक्ता। अवधेश जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। पवन राव अम्बेडकर जी जुड़ चुके हैं, MIM के नेता और प्रवक्ता। मौलाना साजिद रशीदी अब से थोड़ी देर बाद इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमसे जुड़ेंगे। अम्बेडकर साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से ओवैसी साहब भरतपुर गए,
जिस तरीके से उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और उसको लेकर भड़काऊ बातें जो उन्होंने कह दी हैं, तो क्या यह मान लें कि राजस्थान चुनाव की तैयारियां एमआईएम ने शुरू कर दी हैं? बहुत बहुत शुक्रिया राकेश साहब। चुनाव की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम चुनाव की बात पहले भी नहीं किए थे, अभी भी नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि इस देश में जो संविधान है उस संविधान के आधार पर क्या इस देश की सरकारें चल रही हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। बीच में वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है। नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके राइट, ओके। तो हम कहना चाह रहे हैं कि इस देश में जो सरकारें चल रही हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हैं, क्या वो इस देश के संविधान के आधार पर चल रही है या नहीं चल रही। अभी आपने भड़काने और डराने के दो शब्द कहे कि कौन भड़का रहा है ये हमें देखना पड़ेगा, और वो कौन से लोग हैं जो ये कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ये जो डर का माहौल बनाया जा रहा है वो डर के माहौल भारतीय संविधान के अनुसार नहीं है। भारतीय संविधान क्या कहता है, यूसीसी के माध्यम से क्या कहता है, उसको हमें समझना पड़ेगा। और यह भी हमें समझना पड़ेगा कि जो केंद्र सरकार है उसके मिनिस्टर क्या आपस में बैठ करके बातचीत करते हैं। अंबेडकर साहब, यूसीसी वाला सवाल मैं आगे कर लूंगा, उस पर आप अलग से जवाब दे दीजिएगा। जो भरतपुर में ओवैसी ने कही जो बातें, मैं किसी प्रधानमंत्री को नहीं मानता, मैं किसी चीफ मिनिस्टर को नहीं मानता, ठीक है। जुनैद नासिर के घर गए, जो बातें उन्होंने कही, घर जाना अच्छी बात है, लेकिन जो बातें उन्होंने कही वो भड़काने वाली बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी पॉपुलैरिटी इस देश में इतनी ज्यादा है कि शायद आज प्रधानमंत्री जी की भी पॉपुलैरिटी नहीं है। अच्छा? हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो जब सच्चाई की बात करेंगे, सच्चाई की, इस देश के पॉपुलैरिटी की मैं बात कर रहा हूं, जो हक और अधिकार की बात हमें कर रहे हैं उसको लेकर के हमें कह रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री जी आदरणीय ओवैसी साहब के सामने नहीं है। नहीं, मुझे लगता है अम्बेडकर साहब आज आप मजाकिया मूड में आए हैं, आज आप तर्कों के आधार पर नहीं, आप आज मस्खरे करने के मूड में हैं। जिसकी जितनी पॉपुलैरिटी है उसको उतना वोट मिला, वो देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। अगर ओवैसी साहब की उतनी पॉपुलैरिटी होती तो उतना वोट मिलता, वो भी देश के पीएम बन जाते। बिल्किस बानो के रेपियों को छोड़ा जाता है तो क्या प्रधानमंत्री जी बोलते हैं? जब इस देश में जुनैद नासिर, मैं सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, मैं सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, क्या ओवैसी जुनैद नासिर के घर सिर्फ इसलिए गए क्योंकि वो मुस्लिम थे? इस देश में गुनाह है तो इस गुनाह, क्या ओवैसी जुनैद नासिर के घर सिर्फ इसलिए गए क्योंकि वो मुस्लिम थे? बिल्कुल नहीं, ये प्रोग्राम पहले से ही शेड्यूल था, ये प्रोग्राम पहले से ही शेड्यूल था। ये आप, अरे वो घटना, ओवैसी साहब से पहले देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था। ठीक, क्या प्रधानमंत्री जी ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया? चलिए चलिए, नहीं नहीं, अब जिम्मेदारी ओवैसी साहब ने कितनी निभाई, एक सवाल और पूछता हूं, और वो सवाल ये, आता हूं विनोद बंसल जी सीधे आपके पास। इसके बाद आपने कहा जुनैद नासिर के घर सिर्फ इसलिए नहीं गए क्योंकि वो मुस्लिम थे, कन्हैया लाल के घर क्यों नहीं चले गए? उदयपुर सरतन से जुदा के नारे लगे थे, सरतन से जुदा कर दिया गया। कन्हैया लाल के घर इसलिए नहीं गया क्योंकि वो हिंदू, जुनैद नासिर के घर इसलिए गया क्योंकि वो मुस्लिम। अब सुन लीजिए, जवाब सुनिए, हरिद्वार की धर्म संसद होती है जहां पर, नहीं नहीं, हरिद्वार छोड़ दीजिए, सुन लीजिए, अंबेडकर साहब जो सवाल था उस सवाल पर टिके रहिए। मैंने पूछा कन्हैया लाल के घर क्यों नहीं गए जिसका सिरतन से जुदा कर दिया गया? आपकी आवाज बीच में डिस्कनेक्ट, नहीं अब मेरी आवाज डिस्कनेक्ट करने की बात कौन कर रहा है? सर कलम करने की बात कौन कर रहा है? किसने लगाए सरतन से जुदा किनारे? बात करने वाला, अरे किसने लगाए बताइए तो, सरतन से जुदा किनारे किसने लगाए? जो सरतन से जुदा की बात करते हैं उनको आप जेल भेजिए, हम उनका पक्ष कभी नहीं लेते हैं, लेकिन जो सर कलम करने की बात करते हैं उनके ऊपर अम्बेडकर साहब हुई है, अम्बेडकर उनके ऊपर क्या कार्रवाई? अम्बेडकर साहब सुनिए ना, सुनिए, आप सवाल को स्किप मत करिए। सर मैं सवाल स्किप नहीं करने देता हूं। कन्हैया लाल की हत्या हुई, आपने भी निंदा की, कन्हैया लाल का सर तन से जुदा कर दिया गया, वो तस्वीरें आपने देखी। मैं पूछ रहा हूं ओवैसी साहब कन्हैया लाल के घर क्यों नहीं गए? क्योंकि कन्हैया लाल हिंदू था। आपकी पार्टी सिर्फ मुस्लिमों के घर जाती है? बिल्कुल नहीं, आपकी पार्टी के नेता सिर्फ मुस्लिमों के घर जाते हैं। सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, जो घटना हुई है उसमें पार्टी के प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। ओवैसी साहब क्यों नहीं गए? उन्होंने अपनी, अरे ओवैसी साहब क्यों नहीं गए? ये फिर से कह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं ओवैसी साहब क्यों नहीं गए? आदरणीय प्रधानमंत्री जी कन्हैया लाल जी के वहां पर क्यों नहीं गए? अरे मैं ओवैसी साहब से पूछ रहा हूँ, आप पीएम पर चले जाएंगे? विनोद बंसल जी, ऑफिशियल स्टेटमेंट आप मुझे बता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, आदरणीय, अरे सुनिए ना, जी ने कोई वक्तव्य दिया हो, वक्तव्य कोई भी वक्तव्य नहीं है, इसलिए हमें कह रहे हैं विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, ओवैसी साहब जुनैद नासिर के घर जाते हैं, अच्छी बात, उन्हें कन्हैया लाल के घर नहीं जाना चाहिए था। जिस पार्टी के नाम में ही मुस्लिमीन हो वो सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, इसीलिए सिर्फ मुसलमानों के घर जाते हैं उनके नेता।
राकेश जी, कन्हैया की बात छोड़ दीजिए, ये तुलना आदरणीय प्रधानमंत्री से कर रहे हैं और ये जुनैद के पास जाते हैं, लेकिन जो जो अपने मेवात के नगीना में कमलेश को, गर्भवती कमलेश को मारने वाले जो राजस्थान के पुलिसकर्मी थे, उन्होंने बाकायदा उनको मार करके उनके भ्रूण में पल रहे बच्चे को, जो 9 महीने का बच्चा था, उसकी हत्या हो गई, उसको उससे मिलने नहीं जाएंगे ये, वो मेवात में रहता है वो। आप देखिए क्योंकि क्योंकि उसकी हत्या जो है ना वो राजस्थान पुलिस के अधिकारियों ने की। आप देखिए कि ये न तो कृष्णा वाल्मीकि घर के घर जाएंगे जो झालावाड़ में जुलाई 2021 में मारा गया था, खेमचंद महावर जयपुर में अगस्त 2021 में मारा गया था, आप शेड्यूल कास्ट था वो, भाई साहब योगेश जाटव भी शेड्यूल कास्ट था जिसको अलवर में मारा गया था, संपत वैरवा भी शेड्यूल कास्ट था जो अलवर में मारा गया था, पूजा मेहरा भी शेड्यूल कास्ट थी जो झालावाड़ में मारी गई थी, गौरव प्रकाश भट्ट जो बांसवाड़ा मारा गया, तारिका 19 साल 17 साल की थी वो पाली में मारी गई, आदर्श सापड़िया भीलवाड़ा मारा गया, रतन सोनी चित्तौड़गढ़ में मारा गया, और ये रतन साहू वो कन्हैयालाल साहू जो हमें सबको पता है उदयपुर में मारा गया। आप देखिए कि इसके अलावा जब करौली भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ जोधपुर हनुमानगढ़ बूंदी में जब हिंदुओं पर हमले होते हैं तब ये चुप्पी साध लेते हैं आप, और बताऊंगा आपको, देखिए राजस्थान के अंदर पिछले 4-5 वर्षों में कई सारे इस्लामी जिहादियों द्वारा हिंदुओं पर हमले हुए, इन स्थानों पर गए हैं, जुलाई 2019 में टॉप में, प्रधानमंत्री जी क्या इन स्थानों पर गए हैं, डूंगरपुर में, अप्रैल 2021 में बारा में, जुलाई 2021 में झालावाड़ में, क्या इस देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए किसी भी एक वक्त में जोधपुर में, अरे कितने सारे हमले समाज पर हुए, बंसल साहब ऐसे नहीं, एक तरफा बात मत करिए, आप मुझे बताइए, मैं बात में हिंदुओं की निरीह, हिंदुओं की जानवरों की तरफ पछता, मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ विनोद बंसल जी, पवनराव अंबेडकर मैं फिर आपसे पूछता हूँ, प्रधानमंत्री कहाँ गए नहीं गए वो अगर बुरा कर रहे हैं देश की जनता देख लेगी, चुनाव आने वाला 1 साल बाद सर, वो छोड़ दीजिए, ओवैसी साहब क्या कर रहे हैं, अब सुनिए ना सर, आप प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, आपसे MIM को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, आपसे ओवैसी साहब को लेकर सवाल पूछा जा रहा है, वो जवाब दीजिए, क्या आपकी पार्टी ने तय कर लिया है आपकी पार्टी के नाम में मुस्लिम है, सिर्फ आपके नेता मुस्लिमों के घर जाएंगे, हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री उनका नहीं नहीं, प्रधानमंत्री का जो दायित्व बनता है वो अपना दायित्व निभाते हैं, नहीं निभाते वो छोड़ दीजिए, वो देख लेंगे, वो उनकी चिंता मत करिए सर, बीजेपी की नहीं नहीं, बीजेपी की आप चिंता मत करिए, नहीं नहीं सर, बीजेपी से नहीं, पवन राव अम्बेडकर, बीजेपी से नहीं, पवन राव अम्बेडकर इसके प्रधानमंत्री, आप बीजेपी के नेता है, पवन राव अम्बेडकर आप बीजेपी के नेता है, आप बीजेपी के नेता है, क्या आपको यहाँ पर इनवाइट किया गया है बीजेपी के, बीजेपी के फेवर में जवाब देने के लिए, नहीं ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, पवन राव अम्बेडकर आप MIM के नेता प्रवक्ता है, उसी तरीके से जवाब दीजिए सर, ठीक है, बिल्कुल उससे इतर बितर मत जवाब दीजिए, नहीं बिल्कुल नहीं, और सत्यों से भागने वाले लोग हैं ये, ठीक है वो समझ में आ रहा है, पवन अम्बेडकर देश के लोग भी समझ रहे होंगे, मुझे बताइए मैं आगे कानपुर में घटना हुई है, ठीक है कानपुर में इतनी नहीं, अभी भी आप नहीं बताएंगे कन्हैयालाल के घर क्यों नहीं गए, ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ, अवधेश जी जिस पार्टी के नाम में मुस्लिमीन हो साफ तौर पर सवाल को स्किप कर रहे हैं पवन राव अम्बेडकर, मैंने पूछा कन्हैयालाल के घर क्यों नहीं गए, जुनैद नासिर के घर चले गए, सुनिए पवन राव अम्बेडकर नहीं, अभी 3-2 और मेहमान जुड़ चुके हैं, मैं सबसे एक टिप्पणी ले लूं, पवन जी ये पार्टी का मंच नहीं, आपने अपनी बात रख दी, नहीं हमारा मेरा अपना मानना यह है कि अगर आप AIMIA के पूरा इतिहास जानते हैं, उनके नेताओं को जानते हैं, तो आप उनसे उनके नेताओं से इसके परे उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब चूंकि इस समय एक देश में फैशन हो गया है, किसी गली मोहल्ले का भी कोई नेता खड़ा होगा कुछ पूछिए तो सीधे मोदी, सीधे प्रधानमंत्री, नीचे कोई बात ही नहीं करता है, बात ही नहीं करता, माने जिसका लोकसभा में एक सांसद है, जिसके कुल मिला के पूरे देश में विधानसभा में आप देख लीजिए तो 10 या 11 विधायक हैं, वो भी सीधे कह रहा है कि नरेंद्र मोदी, तो ये तो इस देश में ऐसा हो गया है कि हर चीज में नरेंद्र मोदी ही जाहिर है, सुनिए आपने काफी कुछ बोला है, अरे भैया सुनिए ओवैसी साहब जो आग लगा रहे हैं लगाने दीजिए, टाइम्स नाउ नव भारत के, सुनिए सुनिए इस मंच का आग लगाने के लिए, सुनिए सर आप बार बार सबके बीच में बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, आप एकदम शांत रहेंगे अगर ये बोले तो उनकी आवाज डाउन रखिएगा, आप जरा सुना करिए सर, उसके बाद बोला करिए, पहले इनकी दो बात करने के बाद मैं आपके बात का उत्तर दूंगा, देखिए कन्हैया लाल और उमेश कोल्हे के गर्दन काटने के बाद ठाकुर राजा सिंह को लेकर के हैदराबाद में 15-20 हजार लोग सड़कों पर दिन से रात तक उतरते रहे,
वो नारा लगाते रहे कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सिरतन से जुदा सिरतन से, और तेलंगाना की बात है इनका केंद्र है, केवल उसमें बैनर नहीं थे। ये जो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उस 15,000 लोगों में से तेलंगाना सरकार ने कितने पर कार्रवाई की, EMIM ने कितने पर कार्रवाई कराई है? बिल्कुल नहीं कराई। ठाकुर राजन सिंह तो जेल चला गया। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, इस हत्या के पहले AIMIA का बैनर, अलग अलग मुस्लिम संगठनों के बैनर से देश में 500 जगह नारे लगते रहे, और चेहरे आज भी वीडियो में उपलब्ध है जिन लोगों ने नारा लगाया था सिरतन से जुदा का, और उसके बाद सब चुप होकर घर में बैठ गया, कोई कार्रवाई की मांग नहीं किया उस पर से। तो केवल कह देना वो गलत है, सरकार कार्रवाई की मांग करे। अब जो आपके सवाल, देखिए AIMIA पर मैं, AIMIM की उत्पत्ति क्यों हुई थी आपको पता है कि हैदराबाद के समय, छोटी छोटी सी बात, छोटी सी बात कर रहा हूं कि ये भी जो पार्टी है, जैसे मैंने आपको कहा वो दादा से एक नवाब साहब ने जब वहां वो पार्टी बनाई, वो चले गए पाकिस्तान, इनके दादाजी को वो पार्टी सौंप गए थे, दादाजी ने जो है इनके पिताजी को सौंप दिया, पिताजी ने बेटाजी को सौंप दिया। तो AIMIM सही चल रहा है यहाँ तक? अरे अवधेश जी, यहाँ तो संविधान में संशोधन हो जाता नहीं, नहीं, नहीं। यहाँ तो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी लिखकर चले गए, लोग कह रहे हैं उसमें भी संशोधन कर दीजिए, पार्टी में तो नाम में संशोधन, तो बहुत छोटी सी बात है। लेकिन ये है कि देश के संविधान को अपराजिता सारंगी नहीं, जहाँ वो गए हैं वहाँ आग लगाने की भाषा बोल के बात में, अपराजिता सारंगी इन भड़काऊ गैंग का इलाज क्या है? कल महाराष्ट्र के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कॉमन सिविल कोड का उन्होंने जिक्र किया, और उन्होंने कहा कई राज्य आगे बढ़ चुके हैं, वैचारिक तौर पर स्वीकार भी एक तरीके से कर चुके हैं, कई मिशन अधूरे हैं, तो माने कि 2024 से पहले कॉमन सिविल कोड पर सरकार पुष्ट तौर पर आगे बढ़ जाएगी। आप सबको मेरा नमस्कार। देश 140 करोड़ भारतीयों का है, और जैसा कि संविधान हमें कहता है, समान अधिकार हर नागरिक का मूल अधिकार है, और हम सब जानते हैं कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और यह लोकतंत्र संविधान के द्वारा परिचालित होता है, तो संविधान के प्रावधानों को दृष्टि में रखकर ही हमें काम करना पड़ता है। मैं एक सांसद हूं तो मुझे लगता है कि हम सब इसका महत्व समझते हैं। और दो तीन बातें कहना चाहूंगी, जहां तक कि आदरणीय अमित शाह जी ने महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता की बात कही, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सबको ज्ञात है कि समान नागरिक संहिता हमारे देश में होनी चाहिए, इसको लेकर बहुत सारे मत आए हैं। 1985 में आपको ले जाना चाहती हूं, 1985 का वर्ष, जब शाह बानो केस पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मंतव्य दिया था, और उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य के नीति के ये कि ये जो समान नागरिक संहिता देश में लागू होना चाहिए, आप याद रखें। दूसरा मैं कह दूं, ये जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, मैंने कहा हम संविधान से परिचालित होते हैं, तो इसका अगर अनुच्छेद 44 आप देखें तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि देश को भारत के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करना चाहिए। संविधान हमें कहती है कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए जी। और मैं कह दूं कि यह भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी शुरू से रहा है। हम सब हमेशा जब हम कोई भी कार्य करते हैं, हम सब अपने फोर फादर्स की बात करते हैं, हम अंबेडकर, डॉक्टर B.R. अंबेडकर की बात करते हैं जो संविधान के जनक थे। उन्होंने भी संविधान सभा में जब उसकी मीटिंग चल रही थी, उन्होंने कहा था कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का इस देश में इतना विरोध क्यों होता है, जब राष्ट्र एक मत हो जाए तो संविधान, तो ये समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूर लाना चाहिए। ठीक। तो जैसा कि आदरणीय अमित शाह जी ने कहा, मैं कह दूं कि बहुत सारे राज्य हैं जहां पर काम शुरू हो गया है, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, या फिर अगर हमारी हिमाचल में सरकार आती तो वहां भी होता, उस समय हमने अपनी मंशा जताई थी, और गुजरात में भी काम हो रहे हैं। लेकिन मैं कह दूं उच्च स्तरीय कमेटी बनती है जैसा कि उत्तराखंड में बना है, और सबकी बातें सुनी जाएंगी, सुनी जा रही हैं, और उसके बाद इसे लाया जाएगा। ठीक है, मौलाना साजिद रशीदी का मैं रुख करता हूं। रशीदी साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आ रही है। रशीदी साहब, आपने अपराजिता सारंगी जी को भी सुना, थोड़ा देर में आप जुड़े। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ, आ रही आ रही। ठीक है, आपने अपराजिता सारंगी जी को भी अभी सुना, थोड़ा देर में आप जुड़े। अमित शाह का एक बयान हमने कल का सुनवाया था, कई मिशन 370, कई उन्होंने मंदिर, कई सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया,
कि लोगों को लगता था कि उस मुद्दे को टच नहीं करेंगे, लेकिन उन मुद्दों का समाधान दिया सरकार ने। अब उसी में उन्होंने कॉमन सिविल कोड का भी जिक्र छेड़ दिया और उनकी बातों से यह संकेत आया, यह समझ में आया कि सरकार उस पर बहुत पुष्ट तरीके से आगे बढ़ रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कैसे ले रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, हमें क्या दिक्कत है? आप उसका ड्राफ्ट लेकर आइए, जिन लोगों को दिक्कत होगी वो सामने आएंगे। आप ड्राफ्ट लेकर आइए, ड्राफ्ट आया नहीं है, अगर अप्रूव पार्लियामेंट में इस पर कोई बात नहीं हुई है और आप पार्लियामेंट के बाहर बातें कर रहे हैं, ये बीच में कौन बोल रहा है भाई? विनोद बंसल साहब है, वो कह रहे हैं कि ड्राफ्ट लेकर आकर सरकार आपसे अप्रूव कराएगी क्या? विनोद बंसल साहब कह रहे हैं, बंसल जी हैं, थोड़ा थोड़ा टोक टाक चलता है, बोलते रहिए। नहीं, आपसे भी अप्रूव नहीं कराएगी ना। और दूसरी बात यह है कि सरकार को अप्रूव कराना चाहिए जिन कम्युनिटी के। अरे यार, आपको बोलने की आदत बहुत बुरी है। मैं कितनी देर बाद में जुड़ा हूँ, मेरा सुन तो लीजिए, कुछ एक मिनट तो बोलने दीजिए। आप जैसे बुजुर्ग आदमी है और अब अगर मेरे से कुछ पूछोगे तो बताना तो पड़ेगा ना मौलाना साहब, मैं चुप कैसे रह सकता हूँ, बताइए। आपने ठीक है, ठीक है, आपसे कौन पूछ रहा है? मैं तो नहीं पूछ रहा हूँ। बंसल साहब सुन लीजिए, रशीदी साहब की बात नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, रशीदी साहब की बात पूरी, आपने कहा था भाई, आपसे पूछ कौन रहा है? आपने तो कहा था आपसे पूछेंगे कि नहीं, मैंने नहीं कहा। अरे छोड़िए ना, पूछिए। अरे मैं आपसे कहना भी नहीं, जवाब की बात छोड़िए छोड़िए छोड़िए, मैं अरे बोलने दो यार, इंटरफेयर कर रहा हूँ। बंसल साहब आप शांत रहिए, रशीदी साहब अपनी बात पूरी करिए। सवाल एंकर करेंगे, जवाब आप देंगे, जब आपका टाइम आएगा बोलिए, बात कीजिए। ठीक है रशीदी साहब, आपका टाइम है, बोलने दीजिए। अरे रशीदी साहब, यही आप में समय निकल रहा है। ठीक है, हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि पार्लियामेंट के बाहर इस पर बहस करना फजूल है। अभी इसका ड्राफ्ट आने दीजिए, ड्राफ्ट आएगा, पार्लियामेंट में बहस होगी। और देखिए, सरकार का यह दायित्व है जो भी कानून लाए वो उन लोगों को जिनके खिलाफ या जिनके बारे में कानून आ रहा है उनसे राय मशवरा करे, क्योंकि आपने देखा पिछले वक्त में किसानों के खिलाफ एक बिल आया, वापस लेना नहीं, पड़ा। नहीं, जिनके बारे में आ रहा है मतलब किसके बारे में आ रहा है? सरकार को आपको क्या लगता है कॉमन सिविल कोड किसके लिए आ रहा है? किसी खास के लिए आ रहा है क्या? जिसके लिए भी आ रहा है। नहीं नहीं, आपने कहा ना जिसके लिए आ रहा है, भी आ रहा है। आपको क्या लगता है किसके लिए आ रहा है? सब लोगों से राय मशवरा करना चाहिए। आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, रशीदी साहब आपने कहा कि जिसके लिए आ रहा है उससे बात करनी चाहिए, किसके लिए आ रहा है? एक्स वाई जेड जिसके भी लिए आ रहा है। नहीं नहीं, एक्स वाई जेड क्या होता है? आपने कहा जिसके लिए आ रहा है, जेड जिसके लिए भी आ रहा है। नहीं तो आप सीधे कहते ना देश में सब लोगों से बातचीत करती, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित है ना रशीदी साहब, किसके लिए आ रहा है? हाँ, सब नहीं, सब सबसे बात करनी चाहिए देश में। नहीं नहीं, आपने कहा जिसके लिए आ रहा है, सबसे बात करनी चाहिए। आपने कहा रशीदी साहब जिसके लिए आ रहा है, क्या चीज आपने कहा जिसके लिए आ रहा है? मैं देखिए, असल में क्या है, टीवी वालों की दिक्कत क्या है कि कॉमन सिविल कोड की जब बात होती है तो मुसलमान से सवाल करते हैं। नहीं नहीं, हमारी दिक्कत नहीं है। को बिठाइए ना, बुद्धिस्टों को बिठाइए। नहीं नहीं, हमारी दिक्कत नहीं है, ये आपकी दिक्कत है। आपने अपने लिए समझ लिया, सबसे बात आपने अपने लिए समझ लिया। नहीं नहीं, हमारी दिक्कत नहीं है, हमारी दिक्कत ही नहीं है। कौन कह रहा है हमारी दिक्कत है? तो यहाँ बंसल साहब ने नहीं कहा, किसी ने तो नहीं कहा कि जिसके लिए आ रहा है उससे बात करें। दिक्कत नहीं, आपने कहा ना रशीदी साहब, आप जानबूझकर मेरे ऊपर मत थोपिए इसको। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल थोप नहीं रहा हूँ, आप मैं बिल्कुल थोप नहीं रहा हूँ, मैंने बस आपकी उस एक शब्द को पकड़ लिया। बात आप बोल रहे हैं, ये बता दूं रशीदी साहब, जब भी मेरे साथ जुड़िए सर, बातचीत करिए, मैं शब्द बात को राकेश जी, मैं बोलूं जरा, बस एक मिनट, बात पकड़ते हो ना आप, मैं शब्द बहुत तेज पकड़ता हूँ। बात पकड़ते हो? नहीं नहीं, गलत नहीं, बहुत सही बात पकड़ता हूँ रशीदी साहब। आपने कह दिया जिसके लिए आ रहा है, यानी आपके मन में है ना कि मेरे लिए आ रहा है, बाद में आपने जिक्र कर दिया। बस इनकी बात पूरी हो जाए, तो बुद्धिस्टों को बिठाते, जैनियों को बिठाते, ईसाइयों को बिठाते, पारसियों को बिठाते, सबको बिठाते आप। अगर आप सही पकड़ते तो, आपने सही पकड़ा ही नहीं इसको अभी। जब ये बिल आएगा उस वक्त पता चलेगा आपको इसके खिलाफ कौन है कौन नहीं है। ठीक है रशीदी साहब, हमारा है नहीं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आना निश्चित हो गया, गृह मंत्री ने बयान दे दिया कि हम प्रतिबद्ध हैं, लाएंगे, उस पर आपका मत ताली बजाओगे? है? आप ताली बजाओगे? अरे जनाबे वाला, जब ये पार्लियामेंट में अभी तक आया ही नहीं, मैं मत क्यों दूं उस पर? मैं आपकी तरह बेवकूफ थोड़ा ही हूं? अरे विनोद बंसल साहब कुछ पूछ रहे हैं, रशीदी साहब विनोद बंसल साहब कुछ पूछ रहे। नहीं नहीं, लोग बेवकूफ हैं, सुनिए कैसी भाषा बोल रहे हो आप। राकेश जी, मैं आता हूँ, अमेरिकन साहब आता हूँ, आज आपके सारे
आज आपके सारे पैनलिस्ट को एक 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 उन्होंने तमगा दे दिया कि किस कैटेगरी के लोगों को आप बुलाते हो। खैर चलो, ये इनकी इनकी अपनी बुद्धिमत्ता है, जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। लेकिन मैं कहता हूं, जो अपने लिए सोचता है वैसे ही दूसरों को भी सोचता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए मैं दो बात कहना चाहता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा तो ये पांच बीवी नहीं रख पाएंगे। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो इनकी बेटियां जो है ना 18 साल से पहले 21 साल से पहले शादी नहीं कर पाएंगी। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो ये जो अपनी दत्तक के जो अधिकार हैं बच्चों के, उनको ये नहीं छीन पाएंगे। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो मुस्लिम बेटियों को भी वो अधिकार मिलेंगे जो हिंदू बेटियों को मिल रहे हैं। अगर ऐसे क्या ये स्वीकार करेंगे? बताओ ना, क्या स्वीकार करोगे? बताओ ना। आ बैल मुझे मार, एक अच्छा, मिसाल सुनिए। आप बैल है इसका एक मतलब? मिसाल सुनिए विनोद जी, आ बैल मुझे मार। मारने के लिए ऐसे शब्द नहीं, ऐसे शब्द नहीं, ऐसे शब्द बिना वजह खामखे की बातें कर रहे हैं आप। ऐसे शब्द नहीं, एक मिनट एक मिनट, क्यों बिना वजह क्यों? ये भी शादी नहीं करती। नहीं नहीं, उन्होंने अपनी बात कही। हमारे बच्चों को आज भी वही सुख सुविधा है। अरे सुनिए रशीदी साहब, हमारे जो उन्होंने सवाल पूछा, मौलाना साहब हलाला का अधिकार नहीं मिला। आ बैल मुझे मार का क्या मतलब है? जानबूझ के आप मेरे ऊपर थोप रहे हैं सारी बातें। आपको मैं इसलिए कर रहा हूं, जानबूझ के मेरे ऊपर थोप रहे हैं आप सारी बातें। अच्छा एक चीज, एक चीज विनोद मंसूर साहब, एक चीज, एक चीज मौलाना रशीदी साहब एक मिनट, 14 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार करने का, बंसल साहब एक मिनट, सब लोग शांत हो जाए। बंसल साहब, आपने बहुत आपने जो बातें कही, मैं उसी पर सवाल ऐड करता हूं। मान लीजिए रशीदी साहब जो बातें बंसल साहब ने कही, मान लीजिए कि वो ड्राफ्ट का हिस्सा हो जाती है, सबके लिए एक कानून, उसमें कोई धर्म की बाउंड्री नहीं, तो आप सहमत रहेंगे, समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? देश में जो कानून बनता है उसके खिलाफ कोई जा सकता है? अरे गया है रशीदी, जाएगा? अरे गया है, बताइए आप मुझे। इस देश में कानून बने हैं, सड़कों पर हंगामा हुआ है। बैल मुझे मार, सीए भूल गए क्या? चाह रहा हूँ, किसान कानूनों को लेकर कितना विरोध प्रदर्शन हुआ, सड़कें बंद कर दी गई, सर भूल गए क्या? अरे तो अरे भाई साहब सीए को लेकर कितनी आगजनी हुई, भूल गए क्या? अभी से क्यों आप चिल्ला रहे हैं इस पर? नहीं, मैंने बस पूछा कि जो बातें बंसल साहब ने कही, पास की बिलावजी की चर्चा लेके नहीं मेरे पास ये, अब देखिए आपका दर्द निकल कर आने लगा, मतलब रशीदी साहब आपका दर्द निकल कर सामने आने लगा, चर्चा लेके बैठते हो। नहीं बंसल साहब ने जो कही, मान लीजिए वो ड्राफ्ट का हिस्सा होती है, आप क्यों नहीं बता रहे कि आप विरोध करेंगे कि समर्थन में रहेंगे? चिड़ क्यों रहे आप? मेरा कोई, देश का जो कानून आएगा उसका हम समर्थन करेंगे, ठीक है? लो जी, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिए ठीक है। अंबेडकर साहब आप कुछ कह रहे हैं? नहीं मैं तो नोट कर ही रहा हूँ, नोट कर लेना, ठीक है? ठीक है अंबेडकर साहब ठीक है, हो गया। अपराजिता के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, ठीक, अगर देश के मुसलमान इसी तरह से मानने लग गए। नहीं वो रशीदी साहब टाइम बाई कर रहे हैं, वो बंसल साहब रशीदी साहब टाइम बाई कर रहे हैं, ठीक है अंबेडकर साहब? पागलपने की बातें कर रहे हैं विनोद बंसल जी आप, ठीक है चलिए। अंबेडकर साहब की आवाज होने जा रही है, अरे जब एक मिनट विनोद बंसल जी और रशीदी आप दोनों लोग शांत रहेंगे, सिर्फ पवन राव अम्बेडकर की आवाज होने। राकेश जी, इस देश में यूसीसी के नाम पर एक शिगुफा बनाया गया है, अब आप देखिए कि क्या इस देश में किस तरह से यूसीसी को लेकर के जो है, तो आप पहली बात तो गोवा में, इस देश में द हिंदू मैरिज एक्ट, द हिंदू सक्सेशन एक्ट, द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट एंड द हिंदू एडॉप्शन एक्ट वहां पर लागू नहीं होता है इस देश के। अरे अंबेडकर साहब सुनिए ना सर, सुनिए अंबेडकर साहब, इतने ज्ञान की बात है जो आपने की, सुनिए सर, सुनिए, इतनी लंबी नहीं, छोटे जवाब रखा करिए सर, वरना मुझे बीच में आना पड़ता है, सुन लीजिए सर। अगर देश में कानून आ जाए ना तो गोवा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सब नहीं देखना होगा सर, फिर वो एक जगह सब कानून चलेगा सर, ठीक है? अब अपराजिता सुन लीजिए, अपराजिता जी कुछ कह रही है उनको सुनिए पहले, अंबेडकर साहब सुन लीजिए सर, सुना करिए सर। अपराजिता जी, दो बातें कहूंगी, पहली बात पुनरावृत्ति लग सकती है, मैंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 को पढ़िए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई है और कहा गया है कि जब राष्ट्र एकमत हो जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लाना चाहिए, एक। दूसरा मैं कह दूं, हमारे मुस्लिम वर्ग के भाई यहां मौजूद हैं, मैं सबको बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सुडान और इजिप्ट में समान नागरिक संहिता लागू है, इस बात को याद रखें, इन मुस्लिम देशों में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये ऑथेंटिक स्टेटमेंट नहीं है। और मैं बता दूं, संविधान, देखिए सलाह मशवरा किया जाएगा, यह प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, जब ड्राफ्ट को लाया जाता है संसद भवन में या संसद के फ्लोर पर, तो उसके पहले बहुत होमवर्क होता है, तो मुझे लगता है कि सारे राज्यों से और जितने भी
विभिन्न तबकों के लोग हैं, सबसे बातचीत की जाएगी और उसके बाद इसे लाया जाएगा और इस पर विचार विमर्श किया जाएगा संसद में। इस पर विचार विमर्श होगा, डिबेट होगा, वाद विवाद होगा और उसके बाद हम निर्णय लेंगे। जवाब सुनिए, ठीक है अंबेडकर साहब, अंबेडकर साहब रुकिए सर, आप लगातार बोल रहे हैं, नहीं मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा और सिर्फ इसलिए नहीं आऊंगा, सिर्फ इसलिए नहीं आऊंगा कि मेरे मना करने के बाद सर आप बार बार बोलते रहे। अवधेश जी देखिए ऐसा है कि अंबेडकर जी जो बात बता रहे हैं सब कोई जानता है। सुन लीजिए पहले, मैं भी बड़ा, अवधेश जी नाम नहीं है आपको पूरा सुना है रसीदी साहब, मेरे को भी सुन लीजिए। देखिए बात सही है कि पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 के हिसाब से वो चलती है, लेकिन जब कहीं भी नागरिक संहिता समान लागू हो जाएगी तो अलग अलग धर्मों के कानून नहीं चलते हैं, यही कॉमन सिविल कोड है। आप उंगली मत उठाइए, आपने टेलीविजन से इतनी गलतफहमी पैदा कर दी है, मैं पढ़ के सुना दूं उसके मुख्य पाठ, समय नहीं है इनके पास। अरे सुनिए, ये सब पूरे देश को मालूम है कि उस कानून का वही नाम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस कानून में क्या है ये भी तक, ये जो शादी करेगा, ये मान के चलिए राज्यों से कुछ कानून आने वाले हैं, उत्तराखंड से आपको, असम से, उत्तर प्रदेश ने तय किया है तो वहां आने वाले हैं, लेकिन 2024 के का मुझे नहीं लगता है कि सरकार उसकी प्रतीक्षा करेगी, ठीक है, क्योंकि बतौर पत्रकार भी उस पर मुहर लगाते चले। लेकिन रुक जाइए अंबेडकर साहब प्लीज, मैं रशीदी साहब के पास जाऊंगा, उन्होंने अभी तक सिर्फ एक बार बोला है, मैंने डिबेट की शुरुआत आपसे की थी तो समय का ध्यान रखा करिए सर, बाकी मेहमान भी बोलने के लिए यहां पर, सुनने के लिए नहीं है। रशीदी साहब आप अपनी बात जो पूरी कर रहे थे, जो बोलना चाह रहे थे, मैं उसमें एक चीज ऐड करता हूं, अगर जेंडर इक्वलिटी की बातचीत होती है कॉमन सिविल कोड के जरिए तो इससे कोई दिक्कत है? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी हमारे सांसद महोदय ने एक ऐसी बात कही जो अकल में भी नहीं आती कि साहब पाकिस्तान में जो मुस्लिम देश है वहां कॉमन सिविल कोड है, बांग्लादेश जो मुस्लिम देश है वहां कॉमन सिविल कोड है। रशीदी साहब, रशीदी साहब स्क्रीन देखिएगा कहां कहां यूसीसी लागू है ना, किन किन मुल्कों में, आपको दिखा भी रहे हैं पाकिस्तान। अरे सुन लो भाई आप फिर आपको विनोद बंसल की तरह आप बीच में घुस जाते हैं, मेरी बात पूरी हो जाए। मैं कह रहा हूं कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में इस तरह का कानून लाना बहुत आसान नहीं है। बहुत सारे धर्म हैं यहां, सिर्फ धर्म नहीं है, रशीदी साहब बीच में आना पड़ता है, आप ऐसी बात बोल देते हैं। पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है, वहां पर कॉमन सिविल कोड हो सकता है, वहां पर कॉमन सिविल कोड हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश और उसके बावजूद यहाँ के मुसलमान नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर कॉमन सिविल कोड हो। अरे सुन लो यार, पता ना हो तो सुन लिया करो, पता ना हो तो सुन लिया करो, पाकिस्तान चूंकि मुस्लिम देश है इसलिए कॉमन सिविल कोड है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू राष्ट्र बनाओ, कॉमन सिविल कोड ले आओ, कौन मना करता है? आप ही के पास ज्ञान है, इस तरह की व्यवस्था आसान नहीं होती। सिविल कोड नहीं है, 10 प्रकार के कानून धर्मों के आधार पर चलते हो और यूनिफॉर्म सिविल। अरे सारा ज्ञान आपके पास है, मोदी के गुणगान गाओ, सारा ज्ञान आपके पास है, आपके पास ज्ञान है, बैठ गए वहाँ तो मोदी के गुणगान गाओ, आपको आपको गाओ मोदी के गुणगान। किसने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी धर्म के विरुद्ध होगा? अरे गाओ मोदी के गुणगान भाई, कौन मना करता है? वो खत्म कर दी जाएगी। अच्छा चलिए गुणगान मोदी, नहीं यहाँ पर रशीदी साहब स्वीकार नहीं करके सड़कों पर उतर जाते हैं। 179.20 रुपया एक बूढ़ी महिला को कोर्ट देती है, उसके खिलाफ सड़कों पर उतर के और संसद में कानून बना देते हैं और सोचते हैं कि भारत ऐसे ही चलेगा, हम सड़कों पर उतर के सिर उठ आसमान पर कर लेंगे तो हमारे लिए कोई कानून नहीं बनेगा, ऐसे नहीं चलेगा देश, ये लोकतंत्र के विरुद्ध आचरण है। यहाँ भी रशीदी साहब सुनिए, रशीदी साहब सुनिए आप बार बार सर यहाँ पर कह रहे हैं कि बाकी लोगों को ज्ञान नहीं है, जैसे सभी सबसे ज्यादा ज्ञानी आप बैठे हैं। सर आप लंबे समय से टेलीविजन चैनल पर आ रहे हैं तो इस तरीके की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। और चलिए मान लीजिए, नहीं नहीं मैं एक सवाल पूछता हूँ विनोद बंसल जी छोड़िए ये सब हम इंडोर्स नहीं करते। रशीदी साहब चलिए, बहुत ज्ञानी है, रशीदी साहब आप बहुत ज्ञानी है, आपने कह दिया इस पैनल पर सबसे ज्यादा ज्ञान आपको है, आप इस्लाम को बेहतर तरीके बिल्कुल ले सकती है, ले सकती है कि नहीं, बिल्कुल अधिकार है, दे सकती है कि नहीं,
और वो अप्रूव पति करेगा? अरे अधिकार है, मैं बता रहा हूँ, अधिकार कौन करेगा? पति करेगा राकेश जी? नहीं नहीं, अप्रूव कौन करेगा? अधिकार है उसको। अरे रशीदी साहब, चलिए ठीक है, मौलाना करेंगे, काजी करेगा। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ कि उसको अधिकार है। नहीं नहीं ठीक है, अधिकार नहीं, उसको एक मिनट अधिकार है, लेकिन अप्रूवल उसका काजी और मौलाना करेंगे। हाँ, वो हाँ, सरिया कोर्ट करेगी। हाँ, सरिया कोर्ट के बिना वो मांग नहीं सकती है, दे नहीं सकती है ना, मांग सकती है उनके ऊपर। बेवकूफ है आप, आप बेवकूफ हैं। रशीदी साहब दोबारा इस तरीके की बात नहीं किया, आप सबके पैनल से हटा दूंगा मैं, चेतावनी दे रहा हूं। रशीदी साहब आप कैसी बात कर रहे हो, सबको बेवकूफ बता रहे हैं। सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन। रशीदी साहब आपको चुभ गई ना मेरी बात? बिल्कुल आपकी आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, आपको चुभ गई ना मेरी बात? और दोबारा आपने असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया, दोबारा आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, तो सर या तो आप डिबेट छोड़ दीजिएगा या मैं दोबारा खुद आपको हटा दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके की भाषा और शब्द मैं किसी के लिए यहां पर स्वीकार नहीं करूंगा। रशीदी साहब चलिए मैं सबकी आवाज ओपन कर रहा हूं, लेकिन रशीदी साहब अभी उठ जाऊं या नहीं? मैंने उठने के लिए नहीं कहा सर, मैंने कहा कि गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं सर, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं। अरे अभी उठ जाता हूं। अगर आप यहाँ पर अपमानजनक शब्दों का किसी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो सर आप उठ जाएंगे। उठ जाता हूँ। नहीं नहीं, अगर आप किसी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और आप चाहेंगे कि मैं सुनता रहूं तो सर आप उठ जाएंगे। आप जैसे लोगों के साथ मैं बैठना भी नहीं चाहता। आप जैसे लोगों के साथ गलत शब्दों का इस्तेमाल करें सर, मैं भी नहीं रहना चाहूंगा। जो एक एजेंडा चलाते हैं, मैं भी नहीं रहना चाहूंगा रशीदी साहब। जो एक एजेंडा चलाते हैं, एक एजेंडा बैठना भी नहीं चाहता। आपसे एक सवाल पूछ दिया समानता के अधिकार को लेकर, तो आपको बात चुक गई। आपको ये एजेंडा लग गया। हाँ, आपको ये एजेंडा लगेगा। समझ गए आप? समझ में आ गया कि यूसीसी से दर्द किसको है? बैठना भी नहीं चाहता। आप समझ में आ गया कि यूसीसी से दर्द किसको है? बैठने का तो चलिए जाइए ना सर, जाइए। ठीक है, जाइए डिबेट से, डिबेट जाइए। रशीदी साहब आप जाइए, शौक नहीं है बैठने। अगर आपको नहीं शौक है सर, और आपने ये तय कर रखा है कि आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे सर, सिविल कोड से कोई डर है? नहीं नहीं, आपको तो किसी से डर नहीं है। आपके लिए तो सब नहीं, आप क्या है? सबकी आवाज डाउन। अम्बेडकर साहब कुछ कह रहे थे, सबकी आवाज डाउन। अवधेश जी, अवधेश जी, मैंने इतना समय सिर्फ इसलिए रशीदी साहब आपको बुलाया, हमने इनवाइट किया, लेकिन इस तरीके के शब्द हम किसी के लिए स्वीकार नहीं करेंगे सर। मैंने बंसल साहब को भी टोका, आपको भी टोक रहा हूँ। अम्बेडकर जी, राकेश जी, मुझे लगता है कि यूसीसी का बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही अच्छी डिबेट हो सकती है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी स्टेटमेंट कहे गए हैं यूसीसी को लेकर के, मैडम अपराजिता इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो लॉ कमीशन ने एक स्टेटमेंट दिया जस्टिस बीएस चौहान साहब ने, उसको भी मैं कोट करना चाहता हूँ। कल्चरल डाइवर्सिटी कैन नॉट बी कंप्रोमाइज टू दैट एक्सटेंट दैट अवर urge for uniformity itself becomes a reason for threat to the territorial integrity of the nation. Aur ek line bahut hi behtareen kahi, UCC is neither necessary nor desirable at this stage. To aaj hame ye bhi dekhna chahiye ki law commission UCC ko kaise dekhta hai. main aa raha hu aap threat ki baatein karne lage, this stage ki baat karne lage, सुन तो लीजिए। अब जेंडर इक्वेलिटी की बातचीत हो जाए, सबके लिए समान कानून की बात हो जाए, तो इतनी बेचैनी क्यों होने लगती है सर? आप अम्बेडकर जी अपनी बात पूरी करिए सर, 20 सेकंड, सिर्फ 20 सेकंड, ओनली जेंडर। राजस्थान में और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर सिलाई, उत्तराखंड के जौनसार बावर, दक्षिण कश्मीर के हिमालयी जो क्षेत्र है उनमें नीलगिरी के टोडा, त्रावणकोर के नायर, मालावार के हिल्स के इजहार, इन सभी जगहों पर महिलाओं के साथ पोलेंड्री के नाम पर, बहुपतियों के नाम पर शोषण होता है। जेंडर, आप आगे ना अपनी एजेंडा चलाने, मुस्लिम वाला एजेंडा, नहीं नहीं, बिल्कुल आगे नहीं बोलने दूंगा। तो यहाँ वो आपकी पार्टी में जो मुस्लिम है उसी का एजेंडा आप चला रहे हैं, क्योंकि वो चार शादियों की बात खत्म हो जाएगी, उम्र की बाधा जो है वो आगे बढ़ जाएगी कानून के हिसाब से। आप राइटर भी कुछ कह रहे हैं, ठीक है सर? नहीं नहीं, हो गया अम्बेडकर जी, वो एजेंडा मैं नहीं चलाने दूंगा। एजेंडा यहाँ पर पार्टी का नहीं चलेगा, पार्टी का एजेंडा नहीं चलेगा सर, ठीक है? आप चुप रहिए, अपराजिता जी, बिल्कुल एजेंडा है सर, आपकी पार्टी का एजेंडा है, सिर्फ अपराजिता जी की आवाज ऑन एयर। देखिए, एक समय था जब काफी लोग कहते थे कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 ए को हम विदाई नहीं दे पाएंगे, लेकिन वो हुआ। ट्रिपल तलाक के विषय में जो संशोधन करने थे और जो एक्ट लाना था वो हम लाए, और इसी तरह से सबके साथ सलाह मशविरा करके ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा
और संसद में इसे लाया जाएगा। मैं बताना चाहूंगी कि देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से किसी धर्म का विरोध नहीं हो रहा है। देश में बहुत सारे धर्म है, हमें भी ज्ञात है, हर धर्म के लिए एक जैसा कानून हो तो सभी वर्गों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। जटिल कानूनों में सरलता आएगी, इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा, और एकता और राष्ट्रीय भावना को बल मिलेगा, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। सिर्फ यह है कि व्यक्तिगत लॉ, व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए जो देश हित में है, जो लोगों के हित में है, वह कार्य होना चाहिए, और मुझे लगता है कि बहुत सारे राज्य इस विषय पर कार्य कर रहे हैं, एक्सपर्ट कमेटी बैठ रही है। अपराजिता जी, अपराजिता जी, ठीक है, संसद में लाया जाएगा। ठीक है, वक्त इतना ही है, इंतजार कीजिए, सरकार ड्राफ्ट लेकर आती है तो देश के सामने आ जाएगा, संसद में उस पर चर्चा भी हो जाएगी, लेकिन इतनी बेचैनी नहीं होनी चाहिए थी। और मैं एक बार चलते चलते रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा संयम रखा करिए रशीदी साहब। चलिए, आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आगे देखिए, ओवैसी भड़काने लगे, 24 से डरने लगे, भाईजान खफा, किसे नुकसान किसका नफा।